हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत दुखद समाचार यह है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि हम अपने इस देश में, हम अपने इस समाज में शांति की अपील कर सके। और ये जो पीछे तस्वीर है, ये मणिपुर में जो वायलेंस चल रहा है, और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मणिपुर जो है वो आप देखोगे तो बर्न हो रहा है। और इसके पीछे का कारण भी है कि एक मेईतेई करके कम्युनिटी है जो एसटी कैटेगरी की मांग कर रहे हैं। तो उन सारी बातों को समझेंगे, इवन हाई कोर्ट ने भी कुछ कहा है, बाकी सारी चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी बॉक्सर है मैरी कॉम, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि हमारे इस राज्य को बचाया जाए, गुहार लगाई है केंद्र सरकार से, मोदी जी से, और साथ साथ में राज्य सरकार से भी, कि वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इस चीज़ को करके मतलब नरमी के साथ में आगे बढ़ते रहें। तो यहां आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे तस्वीर में आपको देखने को मिलेगा कि हर तरफ आगजनी ही है। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो यहां पे अब जो मणिपुर सरकार है, उन्होंने एक ऑर्डर भी पास कर दिया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि शूट एट साइट का भी ऑर्डर आ चुका है। तो यह अपने आप में दिखाता है कि कितना भयावह स्थिति हो चुका है लगभग, कि शूट एट साइट का भी ऑर्डर जारी कर दिया गया एक्सट्रीम केसेस में ऑब्वियसली। लेकिन यह भी अपने आप में आपको देखने को मिल जाएगा कि अब यहां पे शूट एट साइट का भी ऑर्डर जारी कर दिया गया है। साथ साथ में आप देखोगे तो इंटरनेट सस्पेंड भी कर दिया गया है 5 दिनों के लिए। इसके अलावा आप देखोगे तो नाइट कर्फ्यूज भी लगाए जा चुके हैं, और अभी रिसेंट में यह है कि आर्टिकल 355 भी इम्पोज कर दिया गया है। तो इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, बाकी सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और यहाँ आप देखोगे तो मैरी कॉम जी का ट्वीट, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि माई स्टेट मणिपुर इज बर्निंग, काइंडली हेल्प, और उन्होंने गुहार लगाई है देश के प्रधानमंत्री से, साथ साथ पीएमओ ऑफिस से, और अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, तो इन सभी से उन्होंने गुहार लगाई है कि कृपया करके हमारे राज्य को मणिपुर जो है वो ज्वेल ऑफ इंडिया यानी कि रत्न जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वो राज्य है, और बेसिकली कहीं ना कहीं म्यांमार के साथ थोड़ा बहुत समझ आता है, लेकिन आज इंटरनल डिस्प्यूट्स जो है वो मेजर कारण बन चुके हैं, जो कि कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से स्थिति कभी भी उत्पन्न हो, और ये भी जल्द से जल्द शांत हो, हम इसी चीज के लिए उम्मीद कर रहे हैं। और यहाँ आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये जो घर है पूरा का पूरा आगजनी के हवाले कर दिया गया, जो घर वाले थे वो भी मतलब कहीं ना कहीं मिल नहीं रहे हैं, और उनका ये पेट डॉग भी है आप देखोगे तो ये अपने ओनर्स को ढूंढ रहा है, अब कहीं ना कहीं ये मारे जा चुके होंगे शायद, तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल बहुत सारे लोगों को, लगभग 9,500 लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, सुरक्षित जगह पर लेकर के आया गया है, और आर्मी उतर चुकी है, ठीक है, अब इंडियन आर्मी जो है वो भी उतर चुकी है। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो और ज्यादा से ज्यादा जो फोर्सेस हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, एयरफोर्स भी पिक्चर में आ चुकी है। तो आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो मणिपुर है इस वक्त, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुका है, और उसी चीज को शांत करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट ये हम भारत का मैप देखते हैं, तो ये हमारा प्यारा भारत जो है, इसमें आप देखोगे तो मणिपुर जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपके सामने मणिपुर जो नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इस तरफ म्यांमार है। तो ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उस तरफ में आपको देखने को मिल जाएगा, ये मैप इन डिटेल में है, जहां आपको नॉर्थ ईस्टर्न जो है अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हैं किस तरीके से, साथ साथ आपको नागालैंड, और ये है मणिपुर राज्य, राजधानी इसका आपको देखने को मिल रहा है, इम्फाल है, ठीक है, और मिजोरम नीचे है, त्रिपुरा है, मेघालय इस तरफ है, और असम, तो बाकी राज्य भी आप देख सकते हैं, और सिक्किम भी छोटा सा। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मैप। और इसके अलावा हम म्यांमार की बात कर ले, सॉरी हम यहाँ पे अपने ही वीडियो में इसमें जुड़े रहे, तो हम अगर मणिपुर की बात कर लेते हैं तो ये तो म्यांमार हमने आपको दिखा दिया है, लेकिन मणिपुर में सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट अभी पड़ रहा है वो आपको देखने को मिलेगा इम्फाल में देखने को। और इसके अलावा ये जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज कॉल्ड एज चूड़ाचंद्रपुर, तो ये इम्फाल तो वैसे सबसे बड़ा इनका डिस्ट्रिक्ट है, ओवरऑल 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इसमें से 8 जो हैं वो काफी सेंसिटिव अभी हैं। तो ये जो आप देखने को मिलेगा पूरा का पूरा इम्फाल जो है ये सबसे बड़ा है, और फिर चूड़ाचंद्रपुर है, तो इन दोनों में ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो इसके कारण की बात कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये वायलेंस के पीछे का कारण क्या है, क्यों अचानक से इरप्ट हुआ है ये। तो सबसे बड़ा बात तो ये है कि आपको इसका डेमोग्राफिक समझना होगा कि बेसिकली भारत में आपको को मिल जाएगा जनरल कैटेगरी के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी इस कैटेगरी के लोग जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और मणिपुर आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आप देखोगे कहीं ना कहीं तो मणिपुर में 32 लाख लोगों की आबादी है एज पर सेंसस 2011, ठीक है, तो ये मणिपुर में 32 लाख लोगों की आबादी है, जिसमें से 53% जो है वो मेईतेई कम्युनिटी का ही है,
और 40% जो है वो ट्राइबल्स का है, ठीक है, जिसमें आपको नागास, कुकीज ये सब भी देखने को मिल जाएंगे, म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर के भी लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, साथ साथ कहीं ना कहीं मेईतेई जो लोग हैं तो इन्हीं को लेकर के यहाँ पे जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब के कैटेगरी में आप रख सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ एक रिकमेंडेशन दिया, ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि इम्पोज कर दिया कि नहीं इसको ना इम्पोज किया जा रहा है, अभी आपको इनको एसटी में रखना ही होगा, लेकिन लोगों ने परसीव कर लिया और इसके बाद में बैलेंस जो है वो इसको लेकर के चालू है। लोग कहीं कहीं से आ रहे हैं, मतलब राज्य के हर कोने से, और फिर वहां पर जाकर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वायलेंस जो है वो जारी रखे हैं, जिसको लेकर के बाकी हम चीजों को भी अभी देखेंगे। तो ये मेईतेई लोग जो हैं, इनको मणिपुरी पीपल भी कहा जाता है, ये प्रीडोमिनेंट एथनिक ग्रुप हैं मणिपुर के, और ये मेईतेई भाषा में बात करते हैं जो कि ऑफिशियली मणिपुरी ही है, और ये वन ऑफ द 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है भारत का उसमें से एक है, ठीक है। 8th शेड्यूल जो है भारतीय संविधान का, उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, तो मेईतेई भी एक भाषा है उसमें, ये ध्यान रखिएगा। ये प्राइमरीली सेटल्ड है इम्फाल वैली वाले रीजन में, और इसके अलावा आप देखोगे तो इनका जो आबादी है वो असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो मेईतेई जो है वो नॉन ट्राइबल्स हैं, ठीक है, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो एससी भी हो सकते हैं, ओबीसी भी और ब्राह्मण्स भी, जैसे बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से ही प्रोटेस्ट है कि ये एक तो नॉन ट्राइबल्स हैं, उसके बाद हम ऑलरेडी ट्राइबल्स 40% हैं, तो इनको भी अगर दे दिया जाएगा मणिपुर में ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बात तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक कारण रहे जैसे कि आपको दिखाएं, ये बेसिकली आप देखोगे शूट एट साइट का ही, जहाँ इंटरनेट सस्पेंड वगैरह का, ठीक है। और नेक्स्ट हम आपको बता रहे थे कि फिलहाल आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी कहा गया मणिपुर के सीएम के द्वारा कि मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिला है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड आप ये देखो आर्टिकल इम्फाल फ्री प्रेस का, जहाँ पे लिखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट इन मणिपुर, तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भी एक कारण आपको देखने को मिल रहा है। तो एक तो लोगों का ये है कि एसटी में आ जाएंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जॉब हर जगह जो है वो रिजर्वेशन, और बाकी सारी फैक्टर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट है, जहाँ बाकी स्लाइड्स में हमने ये देखा कि मणिपुर का जो वायलेंस है, आर्मी ने कहा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स को रोका गया है 48 घंटों के लिए, तो ट्रेन का भी जो आवाजाही है वो 48 घंटों के लिए रोक दिया गया है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो ऑलरेडी 13 लोगों की मारे जाने की बात आ चुकी है मणिपुर के वायलेंस से, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये आंकड़ा जल्द से जल्द अब रुक जाए और शांति हो जाए, क्योंकि ये हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इससे ये मैसेज स्प्रेड हो। और इसके अलावा आप देखोगे तो अगले 72 घंटे जो है वो काफी क्रूशियल रहने वाले हैं मणिपुर के, और पॉकेट वाइज प्लान जो है वो रेडी है वायलेंस को रोकने के लिए। और साथ साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो सीएम जो बीरेन सिंह है उन्होंने कहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने उसको परसीव कर लिया है, हमारे तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं है। हालांकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं 53% अगर है तो जाहिर सी बात है जब भी चुनाव होगा तो चुनाव में आपको देखने को मिल जाएगा कि 50% प्लस 1 जो जीतता है वही इलेक्शन में लेकर के आता है। कोई कम्युनिटी अगर आधे से ज्यादा है तो हो सकता है कि एक वो भी फैक्टर बन सकता था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि जैसा कि हमने कहा कि जो बेरोजगारी है, आर्टिकल 355 भी इम्पोज कर दिया गया है। आर्टिकल 355 का मतलब है कि अब सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं पावर जो है वो स्टेट का जो होता है उसको फिलहाल के लिए इस्तेमाल खुद करेगा। तो जैसे 356 प्रेसिडेंट्स रूल है, डिसॉल्व वाली बात आ जाती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे सेंटर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर का काम जो है वो करेगा। तो बाकी लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीजों को अभी देखने को आपको मिल जाएगा कि ये जारी रहने वाला है। बाकी जो वीडियो है ओवरऑल, इनसे यही हम कहेंगे कि जल्द से जल्द हम शांति की उम्मीद रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो हमारा राज्य है मणिपुर, वहां जल्द से जल्द चीजें नॉर्मल की तरफ बढ़े और हमारा जो भारत का सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी है वो बना रहे, और साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो देशवासी हैं वो एकजुट रहें और साथ साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहे कि इस मुश्किल घड़ी में हम मणिपुर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वहां जल्द से जल्द जो है वो शांति की उम्मीद रखी जा सकती है और हम आगे बढ़ सकते हैं और हम अपने देश के विकास में फोकस कर सके। तो इसलिए बाकी चीजों पर भी हमें ध्यान लगाना है, और बस जैसा भी रहेगा अपडेट हम नेक्स्ट वीडियोस में लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट के भी जरूर अपना फीडबैक बताइएगा। भाषा की मर्यादा बनाए रखिएगा और मैक्सिमम लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिएगा, और बस यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये चीजें भी नॉर्मल हो जाएं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।